गूगल ने अपना एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है जिसे आप यूज़ करके अपने मोबाइल के डेटा को सेव रख सकते हैं। जैसे कि आप पहले यूज़ करते थे ट्रॉक कॉलर, अभी भी यूज़ कर रहे होंगे, तो सबसे पहले मैं उसके नुकसान बता देता हूँ कि आपको उसमें कई तरीके के फैसिलिटी दी जाती थी। किसी का नंबर डाल करके उसके नाम पता को पता कर सकते थे। इसी तरीके से उसके भी फीचर हैं, लेकिन उसमें आपका डेटा बिल्कुल सेव रहेगा। इसने लोगों के डेटा को लीक किया है और आगे करता जा रहा है, इसकी शिकायत बढ़ती जा रही है, तो आपको उससे बचना है और इस एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड करना है। ये गूगल ने अपना कॉलर एप्लीकेशन लॉन्च किया है ताकि पब्लिक का फ़ायदा हो सके, ऑडियंस का फ़ायदा हो और हम इससे लोगों के डेटा को सेव कर सकें। ये पूरी दुनिया में अभी एप्लीकेशन चल रहा है, लेकिन इंडिया में बहुत कम चल रहा है। तो मैं आपको किस तरीके से डाउनलोड करना है, किस तरीके से यूज़ करना है, मैं आपको इसके बारे में फुल रिव्यू करने वाला हूँ। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहिए ताकि आपको समझ में आ सके। तो सबसे पहले आपको जो पहले फ्रॉड कॉल आता था, आपको पता नहीं चल पाता था कि कहाँ से कॉल आ रहा है, क्या सच है या झूठ, लेकिन इस एप्लीकेशन के माध्यम से आप पता कर सकते हैं कि ये एप्लीकेशन कितना लीगल और अनलीगल है। और उसमें आपको वेरीफाइड लिख के आ जाता है और आपको कोई घबराने की बात ही नहीं है, उसमें बिल्कुल आपका डेटा सेव रहेगा। और अगर ट्रक कॉलर को आपने डिलीट नहीं किया है तो उसे फटाफट से डिलीट कर लीजिए, नहीं तो आपका डेटा बिल्कुल हैक होने वाला है। तो चलिए मैं आपको चलता हूँ मोबाइल के स्क्रीन पर लेकर के और वहीं पर सारी डिटेल मैं आपको बता देता हूँ। इसके लिए आपको आ जाना है अपने मोबाइल के स्क्रीन पर और यहाँ पर सर्च करना है फोन बाय गूगल। जैसे इसे सर्च करेंगे तो यहाँ पर देखिए हमारे सामने ऐप का लिस्ट खुल के आ जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहला नंबर जो फ़ोन लिख कर आया है इसे हमें क्लिक करना है। ये प्ले स्टोर में नहीं मिलेगा। और जैसे इसे ओपन करेंगे तो यहाँ पर देखिए रेड कलर से कुछ लिखा हुआ आता है, इसे हमें डाउनलोड करने का ऑप्शन नहीं दिया गया है इसमें। तो दोस्तों इसे 100 मिलियन लोगों ने डाउनलोड कर लिया है। इंडिया में ये पूरी तरीके से लॉन्च नहीं हुआ है, इसीलिए हमें यहाँ पर इंस्टॉल करने को नहीं दिया जा रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ इसे डाउनलोड करने के लिए आपको नीचे आ जाना है। अभी ये बीटा वर्ज़न में चल रहा है तो आपको बीटा वर्ज़न मेम्बरशिप लेनी होगी। तो चलिए यहाँ पर हम बीटा वर्ज़न को ज्वाइन कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से इसे यूज़ करना है। तो नीचे आते हैं, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है ज्वाइन द बीटा। तो इसे आपको करना क्या है कि ज्वाइन बटन पर क्लिक करके इसे ज्वाइन कर लेना है। जैसे आप ज्वाइन करेंगे तो आपको देखिए मैंने यहाँ पे बीटा वर्जन को ज्वाइन कर लिया है। हम यहाँ पे 30 सेकंड का वक्त लेता है, यहाँ पर हमें एप्लीकेशन को डाउनलोड करने का, इंस्टॉल करने का बटन मिल जाएगा। तो तब तक मैं इसके बारे में कुछ बात कर लेता हूँ जब तक यहाँ पे बटन मिलता है। तो ये एप्लीकेशन बिल्कुल ट्रक कॉलर की ही तरह काम करेगा, उससे कई ज़्यादा ये आपके डेटा को सेव करेगा और उसे आपको डिलीट कर देना है। तो यहाँ पर इसके फीचर देख सकते हैं और यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपको यहाँ पिज़्ज़ा वाला या फ्लिपकार्ट या कोई भी कुछ अगर कॉल करता है तो आपको वहाँ पर वेरीफाइड का साइन बन के आ जाएगा, जिससे आप ये पता कर सकते हैं कि ये कोई फ्रॉड कॉल नहीं है, कोई कंपनी या कोई बैंक ही की तरफ से ये मुझे कॉल आया है। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, नेक्स्ट जब आएंगे तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर अगर कोई आपको कंपनी या फिर कोई अगर आपने कुछ ऑर्डर किया फ्लिपकार्ट या अमेज़ोन से तो आपका वो जो डिलीवर बॉय होता है आपको कॉल करता है और आप किसी कारण रिसीव नहीं कर पाते हैं तो आपको मैसेज भी मिल जाता है कि आपको किस कारण से किसने कॉल किया है, तो आपको वो डिलीवर बॉय किस लिए कॉल कर रहा था। तो आपको यहाँ पर रीज़न लिख के आ जाएगा कि आपको आपका सामान डिलीवर करने को वो आया हुआ है तो आप उसे रिसीव कर लें। तो इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं और बिल्कुल डेटा सेफ है और यहीं से इसको अनब्लॉक लॉक भी कर सकते हैं किसी के नंबर को और अच्छी तरीके से फाइंड कर सकते हैं, आपको इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो आपको इसे यूज़ करना है। तो चलिए मैं फटाफट से आप देख लेते हैं कि इंस्टॉल बटन शायद मिल गया होगा। तो फाइनली आप यहां पर देख सकते हैं कि मुझे यहां पर इंस्टॉल का बटन मिल चुका है। अब मैं फाइनली इसे इंस्टॉल कर लेता हूं। आपको इसी तरीके से कुछ 30 सेकंड का वेट करना है और पेज को रिफ़्रेश करके इसे डाउनलोड कर लेना। चलिए मैं इसे फटाफट से डाउनलोड होने देता हूं। और फाइनली ये डाउनलोड हो चुका है, कुछ सर्चिंग ले रहा है ये इंस्टॉल होने में। तो चलिए इसे इंस्टॉल फाइनली होने देते हैं। जैसे ही इंस्टॉल हो जाता है दोस्तों तो आपको ओपन कर लेना है। उसके बाद इसके कुछ फीचर और कुछ सेटिंग मैं आपको बता देता हूं ताकि आपको कोई परेशानी नहीं होगी। कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलता है। तो आपको यहां पे सेट एज डिफ़ॉल्ट पे क्लिक करना है, आपको इसे सेटअप करना है। यहां पर जैसे ही आप इसे करेंगे तो यहां पे सेट डिफ़ॉल्ट पे क्लिक कर देना है। चलिए मैंने क्लिक कर दिया। फाइनली ये इंस्टॉल होकर बिल्कुल आपका डायलर की तरह खुल के आ गया। यहाँ पर देखिए तीन ऑप्शन दिए गए हैं, आप यहाँ पर कॉन्टैक्ट, रिसेंट, अपने कॉल हिस्ट्री को यहीं से देख सकते हैं और अपने यहाँ पे कॉन्टैक्ट को भी देख सकते हैं। तो इसके ये फ़ायदे हैं और यहाँ पे इस पर क्लिक करके यहाँ पर आप डायलर को भी ओपन कर सकते हैं।
ये है इसके फीचर। उसके बाद दोस्तों आपको करना क्या है कि जो आपको कॉल करता है फ्लिपकार्ट या अमेज़ोन से, तो आपको वेरीफाइड बटन भी मिल जाता है जिससे आप ये पता कर सकते हैं कि कोई फ्रॉड कॉल नहीं है, हमें किसी तरीके से फ्रॉड कॉल नहीं आ रहा है, या फिर कोई फ्रॉड कॉल आता है तो आपको पता चल जाएगा। तो यहीं पे ऊपर हम थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे और इससे सेटिंग पे हम क्लिक कर लेंगे। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर डिस्प्ले ऑप्शन भी आप देख सकते हैं, जो कुछ भी आप यूज़ करना चाहते हैं। यहाँ पर देखिए डार्क थीम भी आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर साउंड एंड वाइब्रेशन भी इसे सिलेक्ट करके यहीं से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। और दोस्तों कुछ तरीके से कॉलिंग अकाउंट भी आप यहां पर देख सकते हैं, एयरटेल या एयरटेल जो भी है आपका सिम कार्ड लगा हुआ पूरा आपको दिखा देगा। उसके बाद आपने अगर कोई नंबर ब्लॉक करके रखा हुआ है तो नंबर भी यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। आप अलाउ पर क्लिक करके ब्लॉक पर डाल भी सकते हैं और निकाल भी सकते हैं। यहाँ पर वॉइस मेल का भी ऑप्शन मिल जाता है, एक्सेसिबिलिटी का भी ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर देखिए इसे आप एक्सेस कर सकते हैं, TTY मोड को ओपन भी ऑन भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन बता देता हूँ। अब यहाँ पर कॉलर ID स्पैम पर क्लिक करेंगे। चलिए यहाँ पर आप कोई भी कॉल को स्पैम में करना चाहते हैं तो उसे आप इसे इनेबल ही रहने देना है, इसको कोई छेड़छाड़ नहीं करना है आपको। चलिए मैं इसे फाइनली रहने देता हूँ। असिस्टेड पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप किस पर जाना चाहते हैं आप उससे चूज़ करके आप इसका भी ऐप ले सकते हैं या कोई अदर से भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए मैं वैसे ही रहने देता हूँ। आपको सेटिंग में कोई छेड़छाड़ नहीं करना और इसे आप यूज़ कर सकते हैं। फाइनली आपको डायलर में जा करके आप इसे चेंज भी कर सकते हैं, जैसा कि इंस्टॉल फाइनली हो चुका। आप इसे इस तरीके से कुछ करके इसे हटा सकते हैं और इसे यहाँ पर ला सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से जैसे ओपन करेंगे आप इसका इस्तेमाल कर सकेंगे। और कोई कॉल करता है तो आप इसे यूज़ करके देख लीजिए, उसके बाद उसका क्या फीडबैक है आप मुझे बताएं कमेंट। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर कहीं समझ में नहीं आए तो कमेंट कीजिए, कोई सुझाव है तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं फिर एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।